नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज और मेरी सहयोगी गुंजन ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम उमंग में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने कम उम्र में ऊंचे मकाम हासिल किए हैं। तो आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं और किन से बात करने वाले हैं वो हमें गुंजन बताएंगी। जी, आज हम बात करेंगे विविध प्रतिभा से पूर्ण अर्शिता ठाकुर से। इन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट हैं, इनके बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इन्हें एक्टिविटीज़ में, और इन्होंने कई चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया है। तो आइए दर्शकों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अर्शिता जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो अर्शिता, जैसे कि अभी हमने जाना कि आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करती हैं, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और इतने वास्ट आपके इंटरेस्ट हैं, वो थोड़ा सा हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अर्शिता है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। मैं UCBS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं BBA फ्रेशमैन ईयर में हूँ। जहाँ तक कि मैम ने बोला इंटरेस्ट की बात, तो हाँ, मेरे वास्ट इंटरेस्ट है, बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे मुझे काफ़ी परफॉर्म करना अच्छा लगता है, आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो उन्हीं में से कुछ है कि मैंने NCC का कैंप लगाया है, NSS का कैंप लगाया है, मुझे डांस का बहुत इंटरेस्ट है जी। पढ़ाई का भी ठीक है, पढ़ाई का भी अच्छा है जी। और मुझे, मैंने ऑनलाइन बिजनेस भी अभी स्टार्ट किया था, उस तरफ भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे बिजनेस में थोड़ा रखना चाहिए, तो मैंने उसको भी कंटिन्यू किया था जी। हाँ जी जी। अर्शिता जी, आपने हमें बताया कि जैसे कि आपने NCC में पार्टिसिपेट किया, आपके बहुत सारे अलग भी शौक है, तो आप अपने अदर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं हमें कि आपने कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया है, पार्टिसिपेट किया है। तो पहले तो हम NSS से स्टार्ट करते हैं। NSS में मैंने स्टेट RD कैंप लगाया है। फिर जो NCC के 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास, तो जो स्कूल लेवल होता है उस पर हमें A सर्टिफिकेट मिलता है। तो स्कूल लेवल पे जब मैंने NCC का कैंप लगाया था, तो उसके पास मेरे पास A सर्टिफिकेट है। मैंने रियलिटी शो में भी पार्ट लिया है डांस के, उससे और स्कूल की तरफ से जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैंने उनमें भी पार्ट लिया है। मुझे क्लासिकल डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो स्कूल की तरफ से जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, शिमला के स्कूल से चेल्सी चापसली, तो इधर ये कॉम्पिटिशन्स होते थे क्लासिकल डांस का, दूसरा जो वेस्टर्न डांस है, उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है जी। अभी आपने बताया कि इतने सारे आपके इंटरेस्ट हैं, NCC की आपने बात की, NSS की आपने बात की, स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, डांस में आपने पार्टिसिपेट किया। अगर गिनती हम करते जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे NSS के बारे में। जैसे कि अभी हमने हाल ही में जाना कि आपने NSS RD कैंप में जो है आपका सिलेक्शन हुआ था, वहाँ भी आपने काम किया है, और जो परेड हुई थी अभी उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था। तो किस तरह का प्रोसेस रहता है, किस तरह से सिलेक्शन होती है और किस तरह का आपका जो एक्सपीरियंस था वो रहा? तो जो NCC है, वो नेशनल सर्विस स्कीम जो इसकी फुल फॉर्म है, तो उसका होता है कि हमारे पास स्कूल में कैंप लगते हैं, 7 डे कैंप होता है, तो उसमें 50 to 60 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उस कैंप में हमें वेरियस चीज़ें सिखाई जाती है, हम करते हैं स्कूल की साफ़ सफाई, और हमारे एकेडमिक सेशंस होते हैं जहाँ पे बहुत उच्च हस्तियाँ आती है, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा के जाती है, बता के जाती है। अपनी फील्ड में जो एक्सपर्टीज होते हैं वो आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारा बहुत कुछ होता है, 7 डे कैंप होता है, हम वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उस कैंप में सिर्फ 50-60 बच्चों में से 4 बच्चों की सिलेक्शन होती है, तो वो फर्दर आगे जाते हैं YLC कैंप में। YLC की फुल फॉर्म है यूथ लीडरशिप कैंप। इस कैंप में यूथ को लीडरशिप और उसके लिए तैयार किया जाता है, जो आगे फर्दर सिलेक्शन होते होते RD कैंप तक जाती है। तो YLC हमारे 6 YLC लगते हैं, 4-4 डिस्ट्रिक्ट, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट का एक कैंप लगता है। तो जो मेरा कैंप लगा था वो चौपाल में लगा था, केडी में, तो उधर 400 बच्चे आए थे जी। तो डिफरेंट जगह से 400 बच्चे आए थे, उनके बीच कम्पीट करना, और अच्छी अच्छी ड्रिल्स कराते थे हमें, परेड सिखाई जाती थी। तो उसके बीच स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डर रहता था कि कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत अच्छी अच्छी परेड करते थे। फिर उनमें से 100 बच्चों की सिलेक्शन होती थी, 400 में से 50 लड़कियाँ 50 लड़के, तो वो सिलेक्शन होके आगे प्री-RD कैंप लगता था, जो रिपब्लिक डे कैंप के लिए होता है। प्री-RD कैंप हमारा लगा था सुन्नी में जी। तो उधर
100-100 बच्चे 6 जगह से सिलेक्ट हुए थे, तो 600 बच्चे टोटल थे जी। उन 600 बच्चों में से भी आगे फर्दर 100 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जी रिपब्लिक डे परेड के लिए जी। तो उधर भी बहुत ज़्यादा बहुत कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था, बहुत सारे बच्चे आए थे जी। उसमें भी कल्चर में भी सिलेक्शन होती है एंड परेड में, तो कल्चर के लिए 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं 100 में से जी, ठीक है, और जो बाकी के 90 है वो परेड के लिए सिलेक्ट होते थे। तो वो आगे फर्दर जाके जब हमारा रिपब्लिक डे का कैंप लगा, इधर लालपानी में लगता है कैंप हर साल, तो उस कैंप में हमारे जो 100 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें से भी आगे सिलेक्शन हुई, क्योंकि 30-30 बच्चों का चलता है, 30 लड़के 30 लड़कियां या मैक्सिमम 40, तो उस करके चलता है मैम, तो उसमें भी आगे सिलेक्शन। तो बहुत मैं तो बोलूँगी बहुत टफ प्रोसेस था और बहुत सुबह मतलब बहुत हार्डशिप्स करके इधर तक जी। अगर हम बात करें तो एक लंबा प्रोसेस रहता है और बहुत जो है हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है जी। गुंजन, आपने हमें बताया कि आपको एनसीसी, आपने एनसीसी ज्वाइन किया, तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, आपने कब शुरू किया एनसीसी और अपनी पढ़ाई के साथ आपको आप कैसे मैनेज कर लेते हो इतनी सारी चीज़ें? स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे खेलना हो, डांस हो, गाना हो, डिबेट डिस्कशन सब कुछ, तो हर चीज़ में पार्ट लिया है। ओलंपियाड होते थे स्कूल में, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ में पीछे है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट जब किया है, तो फिर वो स्टार्टिंग से अपना इंटरेस्ट बन गया कि पढ़ाई के साथ और चीज़ें भी करनी है। फिर सारे मेरे फ्रेंड्स भी सभी उसी टाइप के थे, तो मुझे कंपनी भी मिली जो काफ़ी अच्छी थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि हम नहीं करेंगे, तो उनके साथ साथ भी हो जाता है कि कर लेते हैं। तो हाँ, एनसीसी लगाया था 8th क्लास में, मैंने अपना एनसीसी का कैंप लगाया था, वो भी हमारा सुन्नी में लगा था, तो वो 10 दिन का कैंप होता है, वो उसमें भी हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसके लिए भी आगे सिलेक्शन होती है जी। जो आरडी कैंप जो परेड होती है शिमला में रिपब्लिक डे के लिए, उसके लिए भी सिलेक्शन होती है। और एनसीसी में मुझे ए लेवल का सर्टिफिकेट मिला था स्कूल में, जो स्कूल लेवल में होता है उसमें ए का मिलता है, और जो कॉलेज होता है उसमें बी और सी का मिलता है जी। बिल्कुल अर्शदा, अभी आपने बताया कि किस तरह से इतने डेज के कैंप लगते हैं, तो अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें इसमें, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें? जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट करें और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर? तो जो पहले NSS था उसमें पहले +1 +2 के लिए NSS नहीं था, मतलब अब कुछ सालों से NSS +1 +2 के लिए रिपब्लिक डे की परेड ऑर्गेनाइज करा रहा है जी। पहले दिल्ली के लिए भी परेड होती थी, बट अब +1 +2 के काउंसिल होती है जो वो दिल्ली परेड में नहीं जाती। तो उसमें ये होता है कि जब आप कैंप जाते हो तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होती है, आपका बहुत अच्छा से वेलकम किया जाता है जी। तो आपको पहले तो रूटीन बता दिया जाता है, आपको डायरीज मिलती है, आप उसमें रूटीन लिखाया जाता है कि आप नेक्स्ट डे जाके क्या क्या करेंगे। तो हमारा होता था कि हम सुबह 5:30 बजे उठते थे जी, 6 बजे तक हमें थोड़ा फ्रेश होना होता था, उसके बाद हमारी मॉर्निंग वॉक बोल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, एक्सरसाइज करते थे और फिर ड्रिल करते थे, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था, तो उसके बाद हमारे रोज़ कुछ ना कुछ होता था, कभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली टीम आती थी वो हमें बताती थी, कभी हम उसी गाँव के या जहाँ पर हमारे कैंप्स लगे उसी गाँव या एरिया की साफ़ सफाई करने जाते थे, तो वो सारा होता था जी। फिर आके लंच होता था, लंच के बाद हमारा एकेडमिक सेशन होता था, कोई मतलब बहुत सारे लोग आते थे जो गेस्ट होते थे उन्हें बुलाते थे, तो वो हमें अपना अपना जितना भी नॉलेज है वो सारा शेयर करते थे, तो हम वो अपने साथ लेके घर आते थे और अपनी लाइफ में भी उसे लेके चलेंगे आगे, तो ऐसा होता था। फिर उसके बाद ब्रेक होती थी, फिर से ड्रिल कराते थे, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड के लिए ड्रिल अच्छी होनी चाहिए, तो वो ड्रिल कराते थे। उसके बाद कल्चर सेशन होता था, डांस करते थे, उसकी प्रिपरेशन करते थे, तो वैसे होता था, स्कूल वाइज होता था, फिर प्रियाडी कैंप में डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो उनका ग्रुप बना देते थे बच्चों का, तो फिर आगे वो परफॉर्म करते थे, तो उसके बाद डिनर होता था और थोड़ी बहुत मस्ती और फिर सो जाते थे, और फिर नेक्स्ट डे से अगर बात मतलब अगर हम करें तो सुबह से 5:30 से जो है शाम तक जो है आपका पूरा एक शेड्यूल फिक्स था और आपको उसमें वर्क करना होता था, एक्टिविटीज़ भी कई सारी रहती है बीच में, अभी आपने बताया कि डांस कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और आपने ये भी बताया कि आपको कितना इंटरेस्ट है और आपने पार्टिसिपेट भी किया है डांस इन एक्टिविटीज़ में, तो हम जानना चाहेंगे कि जो डांस का आपका रुझान है वो किस तरह से रहा और कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से आप आगे गए, ऑडिशन की भी आपने अभी एक हमें बात बताई थी, ऑडिशन भी दिए हैं आपने, तो किस तरह से डांस की तरफ गए और कितने आपने ऑडिशन दिया और कैसे पार्टिसिपेट किया?
तो जो डांस की तरफ इंटरेस्ट था वो तो बचपन से ही था। टीवी में भी देखते थे, पहले शोज आते थे, DID आता था, डांस इंडिया डांस, जी तो उसमें देखते थे कि कितना अच्छा और ग्रेसफुली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग आते थे, डांस करते थे, परफॉर्म करते थे, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। जी फिर स्कूल में बात की जाए तो एनुअल फंक्शन था, एनुअल डे पे डांस कराते थे, या इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, तो ऐसे ऐसे दिन होते थे जब तो डांस प्रिपेयर करते थे। तो वो स्टार्टिंग से एक क्रेज़ था डांस का जी कि परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, सीखना है। और हमारे एक मैम थे, जी जो मेरा स्कूल था उधर एक जी मैम थे, वो क्लासिकल डांस सिखाते थे, जी तो उनके पास भी सीखा, 3-4 साल सीखा था। तो वहाँ से क्लासिकल डांस का क्रेज़ आया। पहले जी तो जो था वो वेस्टर्न डांस का ही था, क्लासिकल का इतना पता नहीं था, पर उन मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया, गाइड किया, अभी भी कांटेक्ट में है। तो उन्होंने सिखाया, फिर उधर से क्लासिकल डांस का है, जी और अब तो यूट्यूब है, सब है, ऑनलाइन आप कुछ भी सीख सकते हो, तो वहाँ से आया। जी और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल की तरफ से, ले जाए जी जाते थे, जी तो स्कूल की तरफ से कभी क्लासिकल डांस का हो गया, तो कभी टूर्नामेंट्स में भी ले जाते थे, जी उसमें भी मतलब डांस का अलग से होता था, तो वो सब में पार्टिसिपेट किया। और फिर अब एक रियलिटी शो भी था, उसका नाम था किसमें कितना है दम, जी उसमें भी पार्ट लिया, तो उसमें जी भी आगे सिलेक्शन हुई थी जी वेरी गुड। जी। और आपने इतना मतलब इतना पार्टिसिपेट किया है डांस में, मतलब अलग अलग फील्ड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई एम श्योर कि गुंजन के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे इसके जी रिगार्डिंग, कि किस तरह से आपने क्वेश्चन जो किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया। तो गुंजन जी तो आपने मुझे बताया कि आपको क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट है, और कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसे करने से आपको बहुत ज़्यादा मन को, बोलते हैं ना, तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, तो वो कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो क्लासिकल के अलावा आपको अच्छे लगते हैं? पहले तो हमारा जो यहाँ का पहाड़ी डांस है वो भी सबका फेवरेट है, आई गेस जी सबका ही है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा रहा क्लासिकल डांस, जी और एक होता है वेस्टर्न डांस, जी मतलब हिप हॉप फ्री जी जी स्टाइल, जी तो वो भी सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं सीखती भी हूँ, वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ कभी कभी, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बाकी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के डांस करना भी पसंद है, जैसे पंजाबी हो गया, और एनुअल डे पे भी परफॉर्म किए थे जी बहुत सारे जी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के डांस, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है जी। अर्षिता, आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है, आप डांस करती हैं, मैंने सुना है आप फुटबॉल भी खेलती हैं, वॉलीबॉल वॉलीबॉल खेलती हैं जी, तो इन सारी चीज़ों के साथ आप अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करती हैं? स्टडीज़, मैंने कभी मतलब जो ये भी सारी चीज़ें मैंने बताई, मैंने इसको कभी एक्स्ट्रा मान के नहीं चला, मतलब ये मैंने इसको समझा कि ये मेरी ही डेवलपमेंट के लिए है, और ये मेरा शौक था, मेरा इंटरेस्ट है। तो जब भी आप कुछ चीज़ इंटरेस्ट के साथ करो, तो आपको कभी भी लगेगा नहीं कि आप ये एक्स्ट्रा कर रहे हो। जी पढ़ाई भी था, मेन चीज़ तो पढ़ाई होती है ऑफ कोर्स, बट मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चला, दोनों चीज़ों को मेन ही माना, दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही मैंने कंटिन्यू किया। जी बिल्कुल। अर्षिता, अभी जैसे गुंजन ने भी बताया कि स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट था, वॉलीबॉल में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो जो वॉलीबॉल की जर्नी है आपकी, स्पोर्ट्स की जर्नी है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया था और कैसे स्पोर्ट्स की तरफ भी आपका रुझान आया? ये स्टार्ट हुआ था जब 6th क्लास में मैं थी, तो उस टाइम ऑफ कोर्स उस टाइम हमारी एज नहीं थी टूर्नामेंट्स खेलने की, बट हमें सिखाते थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया। देखते थे हमारे सीनियर्स होते थे जो टूर्नामेंट्स में चेयर करते थे, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा लगता था उन्हें देख के कि ये खेल रहे हैं, जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये कैसे खेल रहे हैं, तो वहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, वहीं से शौक उठा कि ये तो सीखना है, ये करना जी है, जी तो वहीं से इंटरेस्ट आया। तो 6th क्लास में स्टार्ट किया था खेलना, मतलब जी जैसे हमारे PTI सर जो हमें सिखाते थे वो चीज़ें फॉलो की, तो वो सीखते सीखते थोड़ा हुआ। फिर 8th से मैंने टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट किए थे, 8th में मैंने अंडर 17 खेला था, और अभी रिसेंटली 12th में हमने अंडर 19 टूर्नामेंट खेला था, जी जिसमें हम अपने जोन के ओवरऑल चैम्पियन थे, और आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में भी सिलेक्शन हुई थी। जी अगर हम बात करें, जैसे अभी हम बात डिस्कशन भी कर रहे थे गुंजन, कि अंडर 17 में आपने पार्टिसिपेट किया था, अंडर 19 में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो इतनी कम उम्र में अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स में भी जाना है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, तो किस तरह से, मतलब अगर हम बात करें रोल मॉडल की, तो वो कौन है आपकी, और किस तरह से आपका रुझान मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में भी आया?
रोल मॉडल तो मैं सच बोलूँ तो मैं किसी को अभी मतलब उतने दिल से मैं मानती नहीं हूँ. जी जो देखा है मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स ही है, जो भी है, जो जी करा रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जी वो हर चीज़ मतलब किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं जी करते. कैंप्स में हो या आगे खेलने का हो, डांस का हो, तो वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते. जहाँ बात सीखने की हो और पर्सनल डेवलपमेंट की हो, जी तो वो उस चीज़ के लिए मना नहीं करते. तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि जी वो करा रहे हैं और इतनी मतलब हम कर रहे हैं, वो करा रहे हैं. तो जी रोल मॉडल तो मेरे वही है. जी बिल्कुल. अगर हम बात करें, आपने इतनी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि बिज़नेस भी जो है उसमें भी आपका रुझान है, और आप उसमें भी जो जॉब है शायद कर रही हैं और उसमें भी आप जो है कार्य कर रही हैं. तो ये किस तरह से आपने शुरू किया, कब शुरू किया? और अगर हम बात करें तो अभी आप आपका कॉलेज जो है जो स्टार्ट ही हुआ है, तो किस तरह से आपने जो है ज्वाइन किया, ये आपने जॉब की, और किस तरह से आप कार्य कर रही हैं? तो ये जो बिज़नेस है, ये ऑनलाइन बिज़नेस है. जैसे कि हम देखते हैं कोरोना टाइम में क्या हुआ था, और लोगों की जॉब्स चली गई थी, जी तो ये उसी बेसिस पे रिलेटेड है थोड़ा, कि वर्क फ्रॉम होम, अपने घर बैठे आप दिन के 3 से 4 घंटे काम करके पैसे कमा सकते हैं. तो जी ये मैंने काफ़ी टाइम से देखा था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी. तो एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मुझे एक रील दिखी जी थी, तो मैंने वहाँ पे देखा था, तो उन्होंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की थी, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया. उसमें ये था कि एक तरफ से तो आप अर्न कर सकते हैं, दूसरी तरफ से आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, कॉपी जी राइटिंग, फेसबुक एड्स. तो ये चीज़ें भी थी, मतलब ये स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी आज की AI जनरेशन में सीखने के लिए. जी तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये कुछ अच्छा है, थोड़ा हट के इसको ट्राई करते हैं. जी तो मतलब वो भी हो जाता है ना, कि अगर आपको महीने का थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप जी अपने हेल्प कर सकते हो, फैमिली को भी कर सकते हो, खुद के भी आपके निकल जाते हैं खर्चे. तो उस करके मैंने ये देखा था, जब मेरे 12th बोर्ड्स थे, उसकी प्रिपरेशन के जी टाइम ही मैंने देखा था कि मुझे जब रील आई थी, तो फिर मैंने अपनी मदर को बोला था. तो बोर्ड्स के टाइम ही मैंने जी वो मतलब ज्वाइन कर लिया था. जी बट जो मैंने उसमें एक्चुअल वर्क जो स्टार्ट किया, वो बोर्ड्स के बाद किया था, क्योंकि जी 12th ओवर होने के बाद और कॉलेज के एडमिशन के बीच मेरे पास काफ़ी टाइम था. तो मैंने जी सोचा कि इसको यूटिलाइज करते हैं, जी कुछ नया सीखते हैं, किसी नए फील्ड में ट्राई करते हैं. जी बिल्कुल. अभी गुंजन और मैं डिस्कस भी कर रहे थे कि एनवायरनमेंट से भी जो है आपको बहुत जी लगाव है, और गुंजन के मन में कई सारे सवाल थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड. तो गुंजन आप ज़रूर पूछिए. इतना मुझे नॉलेज तो नहीं है, बट मैं एक छोटी सी बात तब से लेकर सोच रही हूँ अपने मन में कि आप इतनी टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं ना, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी कि पढ़ाई तो एक चीज़ है ही, बट मुझे लगता है लोगों को, मतलब बच्चों को, मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग होना चाहिए. वो उनकी खुद की पर्सनालिटी के लिए भी बहुत, मतलब उनकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एनहांस कर देता है. जितना एक बच्चा, या मैं यूथ बोलूँगी, जितना वो टैलेंटेड होगा, उससे ज़्यादा मतलब जितना वो टैलेंटेड होगा, उसको डिफरेंट चीज़ें करनी आएगी. लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि इससे बहुत कुछ आता है, और लोग जी खुद उससे सीखने की ट्राई जी करते हैं, कि वो खुद मतलब आगे से जी अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि कैसे क्या क्या. जी तो मेरा तो खुद का भी है, अभी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि ये इनफ नहीं है. जी आगे फर्दर और जो भी मेरे इंटरेस्ट है, हॉबीज़ है, उनसे रिलेटेड मुझे आगे चीज़ें सीखनी है, करनी है. तो मेरा मैसेज तो यही होगा कि जी पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई तक प्लीज सीमित ना रहे, अपने आप को सिर्फ पढ़ाई वाली बाउंड्रीज में मत डालें, आगे और सीखिए. बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत से लोग बहुत ऊंचाइयाँ छू रहे हैं. तो अगर आप अपने लेवल पे थोड़ा स्टार्ट करें, अगर आपको गाना अच्छा लगता है, गाएं, डालें, नई नई चीज़ें ट्राई करें, आर्ट अच्छी लगती है, डांस लगता है, तो सब करें. तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा. जी बिल्कुल गुंजन. जैसे हम अभी बात कर रहे थे, NSS में भी आप जो है काफ़ी एक्टिव रही हैं, और जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है वो आपने की है. अभी आपने यूथ का भी जिक्र किया, तो जो यूथ है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेशन में. अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें या कई सारी एक्टिविटीज़ में बात करें, तो जो यूथ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपने, जब हम स्वच्छ भारत की अगर हम बात करें, अभी हमारा एक अभियान चला था स्वच्छता ही सेवा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से कार्य करती हैं एनवायरनमेंट के लिए, और किस तरह से आप जो है अपना योगदान प्रदान करती हैं. मैं अभी भी खुद को स्कूल का ही पार्ट कंसीडर करूँगी. तो लास्ट ईयर हमारे स्कूल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, वो महीने के एक संडे को अपने गांव की साफ़ सफाई करेंगे, जी या गांव के आसपास वाला एरिया साफ़ सफाई करेंगे.
तो अभी रिसेंटली जब स्वच्छ भारत अभियान का चला हुआ था, तो हमने अपने मतलब मैं और मेरे जो भी स्कूल्स के बच्चे हैं उन्होंने मिलकर और गांव वालों ने मिलकर जो गांव के थोड़े जगह है जो लगता है हमें गंदी है उधर साफ सफाई की जी। और गांव मेरे गांव में ही एक स्कूल है जी, गवर्नमेंट स्कूल है वो, तो उधर उधर का एरिया भी थोड़ा गंदा था तो हमने वहाँ पे साफ सफाई की। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें, इतने सारे आपके इंटरेस्ट है, वास्ट और डिफरेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। एनएसएस की हमने बात की, जिसमें जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आती है, डांस की हमने बात की जो एक आर्ट है, उसके बाद स्पोर्ट्स की हमने बात की जो स्पोर्ट्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है, एनवायरमेंट से भी आपको प्यार है, तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इंटरेस्ट, किस तरह से अगर हम बात करें तो किस तरह से इंटरेस्ट रहता है, किस तरह से जो है मोटिवेट होते हैं और किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कई बार कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमें आती हैं, तो आप किस तरह से उन्हें फेस करती हैं और किस तरह से आगे बढ़ती हैं? मेरा मोटिवेशन तो यही है, जैसे आजकल हम सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखने को मिलती है पर्सनालिटीज जो बहुत देश के लिए बहुत कुछ कर रही है, जो अपने लिए मतलब अपने लेवल पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मास्टरी कर रखी है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, तो उनको देख के ऐसा फील होता है कि इनके सामने तो हम कुछ नहीं है, जी तो उनको देख के एक मोटिवेशन आती है कि हमें भी सीखना है जी, और चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो उनको देख के ऐसा लगता है, उनको देख के डीमोटिवेट भी फील होते हैं कि जी इन्हें इतना कुछ आता और जी हमें नहीं आता, जी पर फिर मोटिवेशन भी उन्हीं को देख के मिलती है। जी बिल्कुल और बैरियर्स की बात की आपने कि जी सपोर्ट तो फैमिली की तरफ से पूरा था और जी मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने किसी भी लेवल पे मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना की हो, जी जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी बिल्कुल। अर्शिता, अगर हम बात करें आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फ्यूचर गोल के बारे में, आपके एम के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आप जो रुझान है कई सारी एक्टिविटीज़ में रखती हैं, कई सारी चीज़ों में रखती है, तो किस तरह से आपका रुझान अभी है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा या आपने फर्दर और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है? हाँ बिल्कुल, फर्दर और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है, जो करनी है, जी लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस भी चाहिए और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है, जी तो इनमें तो कभी चेंज नहीं आएगा। डांस स्पोर्ट्स हमेशा मतलब फॉर एवर वाली थिंग है, जी तो ये सारा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, बाकी ये एज अ हॉबी रहेगी जी फिलहाल के लिए, तो ऐसा ही है कि ये एज अ हॉबी रहेगी। और मैंने सोचा है कि बीबीए के बाद मुझे एमबीए करनी है, जी तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। जी बिल्कुल। अर्शिता, अगर हम बात बात करें अंत में, हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे अपने आप को और किस तरह से आप बताएंगे, थैंक्स करना चाहेंगे उन लोगों का जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और किस तरह से आप मोटिवेट भी करना चाहेंगे उनको जो आपकी तरह बनना चाहते हैं? मेरा वन एंड ओनली मोटिवेशन यही होगा, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि जो आपसे ऊपर लोग हैं, जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, प्लीज़ उनसे थोड़ी गाइडेंस ले, उन्हें देखे, उनसे सीखे, उनसे उनसे कभी मतलब उनसे सीखे कि इसे इतना मतलब इन्हें इतना अच्छा आता है, हम भी ऐसा सीख सकते हैं, तो मेरी मोटिवेशन तो यही रहती है और मेरी गाइडेंस भी यही रहेगी लोगों को, मतलब बच्चों को, यूथ को, जी कि आप जितना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हैं, प्लीज़ डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करें, ट्राई करें, बहुत कुछ सीखे, पढ़ाई के अलावा भी, मतलब पढ़ाई भी मेन है, उस वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको तो रखिए, बट पढ़ाई के अलावा भी आप जितना आपको लगता है कि आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई आपकी फील्ड है जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं, प्लीज़ कभी भी उसको इग्नोर मत करें और ज़रूर ट्राई करें। जी बिल्कुल। अर्शिता, आज आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, हमने इतने सारी फील्ड्स के बारे में जाना, इतनी सारी बातें हमने की, गुंजन और मैंने आपसे कितना सारा एक्सपीरियंस लिया, कितना मोटिवेट भी हुए हैं हम, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी कई ऐसे होंगे जो आपसे मोटिवेट होंगे। अर्शिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ आने के लिए और हमें इतनी गहन जानकारी प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले अंक में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।